और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश, खास रिपोर्ट का। ये नकल की दीवार आखिर टूटती क्यों नहीं? एक महिला की जगह एक पुरुष बैठा सब इंस्पेक्टर में, और वो महिला पास हो गई और वो आरपीए में ट्रेनिंग कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एडवोकेट यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी मौजूद है। और आज का हमारा शो ना तो सियासी हलचल पर है और ना ही राजनीतिक दलों के समीकरण पर है। आज हम आपको देश के उस भविष्य से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं जो नकल और पेपर लीक से जुड़ी है। आज हम आपको देश की वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें नकल और पेपर लीक के सहारे सब कुछ आगे बढ़ रहा। जी हां, हम बात हरियाणा के नूह की आज करने जा रहे हैं, खास तौर पर जहां से आई नकल की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हम सब चौंक गए इस तस्वीर को देखने के बाद। हम बात राजस्थान की भी कर रहे हैं जहां सब इंस्पेक्टर पेपर लीक से पूरा देश शर्मसार हुआ, क्योंकि एग्जाम का टॉपर ही अब पुलिस के शिकंजे में। ऐसे में सवाल यह है कि नकल करने वाले ऐसे छात्र अगर बड़े अधिकारी बन गए या किसी बड़े ओहदे पर बैठ गए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, ऐसे लोग अगर सिविल इंजीनियर बनकर आपके मकान का निर्माण करने लगे तो क्या होगा? ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनकर आपका इलाज करने लगे तो क्या होगा? आप सोचिए, ऐसे लोग हमारे देश के भविष्य का आखिर कैसे निर्माण करेंगे? और बड़ी खबर क्या है, हरियाणा के नूह में नकल पर सरकार सख्त है। विद्यालय बोर्ड के चेयरमैन आज नूह खुद आएंगे। नकल रोकने के लिए पुलिस लगाई जाएगी। परीक्षा पत्रों पर QR कोड्स को अब लगाया गया है। सरकार का दावा है QR कोड स्कैन करते ही पकड़ा जाएगा, यानी कहां से लीक हुआ ये तुरंत इस QR कोड के जरिए पता चलेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से हरियाणा के नूह में ये हुआ। फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के दौरान कैसे आप देखे अंदर जो रिटर्न एग्जाम चल रहा था, बाहर से कैसे लगातार अंदर बैठे छात्रों की मदद करने के लिए नकल करवाई जा रही थी। ये सब कुछ वहां पर हो रहा था। और बड़ी बात यह है कि वहां पास में खड़े एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और इसके बाद ये सब कुछ एक्सपोज होता है। और इसके बाद सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला हरकत में आया जब TV9 भारतवर्ष ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। जी हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाइए। नकल की इस दीवार से चिपके वो तमाम लोग आपको नजर आएंगे जो कि अंदर बैठे छात्रों को नकल करा रहे थे। अंदर फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम चल रहा था, रिटन एग्जाम चल रहा था, और ऐसा लगा दीवार से चिपक चिपक कर अपनी फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल देने की कोशिश कर रहे हैं ये वो लड़के। 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 गिनते जाइए। यहां पर देखिए, बिल्कुल 13, 14, 15, 16, 17 आप गिनते जाएंगे, 18, 19 ये सब कुछ हो रहा था, 20 और ये सब यहां पर देखिए। इस तरह से यहां बाहर ये सभी दीवार पर चढ़े हुए थे और अंदर ये देखिए खिड़कियां यहां पर आपको नजर आ रही, छत तक यहां पर चढ़े थे। और किस तरह से चीटिंग करवाई जा रही थी, किस तरह से नकल करवाई जा रही थी, मदद करवाई जा रही थी। बिल्कुल आप अंदाजा लगाइए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का ये पेपर चल रहा है, अंदर से व्हाट्सएप के जरिए पेपर जैसे ही सामने आता है उसे वायरल किया जाता है, यानी क्वेश्चन क्या है ये पता चल जाता है और उसके बाद आंसर की चिट ले लेकर कैसे खिड़कियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। और इन लोगों ने ऐसा लगा अपनी जान की परवाह भी नहीं की, क्योंकि अच्छे खासे ऊंचाई पर खिड़कियां थी और वहां पर दीवार पर चिपक चिपक कर अंदर पहुंचाई जाने लगी चिट और छात्रों को कराई जाने लगी नकल। लेकिन यह सब कुछ होता कैसे रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं करुणा, तो बाकायदा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर धारा 144 लग जाती है। और ये आलम देखिए, बिल्कुल देखे ये आलम है, खुलेआम नकल करा रहे हैं लोग। यहां पर ये देखे दीवार पर चढ़कर नकल कराई जा रही, यहां पर जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमला होगा, सुरक्षा होगी, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ कैसे हुआ? फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा थी, रिटन एग्जाम था, सभी विद्यार्थी स्कूल के अंदर बैठे थे और बाहर से यह नकल करवाई जा रही थी।
हैरान करती है ये तस्वीरें और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़े सवाल खड़े करती है। 9 साल बाद कुछ नहीं बदला, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मार्च 2015 की है, तब आपको याद होगा बिहार में बोर्ड परीक्षा के समय कुछ इसी तरह नकल हुई थी। बिहार की यह तस्वीर उस वक्त पूरे देश में चर्चा का सबब बन गई थी। 9 साल बाद ठीक इसी तरह नकल का एक वीडियो हरियाणा से वायरल हुआ है, जिसमें लोग स्कूल की दीवारों पर चढ़ चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर छात्रों को नकल कराते कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। यानी 9 साल बाद भी देश की यह तस्वीर बदली नहीं है। बिहार से लेकर हरियाणा तक तस्वीर वही की वही है क्या? तो सोचिए नकल से पास होने वाले इन छात्रों की तकदीर भला कैसे बदलेगी। ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है।